भारत का परचम कहां कहां लहरा रहा है वो आपको बता देते हैं। तो अंतरिक्ष से लेकर समंदर तक, खेल से लेकर सिनेमा तक, आज की शाम एक नहीं कई गुड न्यूज लेकर आई है। इसरो ने एक बार फिर राज इतिहास रच दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से नया रॉकेट SSLV-D3 लॉन्च किया गया है। गुड न्यूज ये भी है कि इस रॉकेट से छोड़ी गई सैटेलाइट पर्यावरण पर नजर रखेगी और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अहम भूमिका निभाएगी। समंदर में शौर्य की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। INS शिवालिक अमेरिका के ग्वाम में हुए संयुक्त युद्धाभ्यास में दमखम दिखाने के बाद दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात किया जाएगा, जहां से वो चीन पर नजर रखेगा। पेरिस ओलंपिक में चमक बिखेर कर लौटे ओलंपियन, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और मिशन 2028 की तैयारी पर बात हुई। साथ ही आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है, जिसमें गुलमोहर और कांतारा जैसी फिल्मों ने बाजी मारी है। इन तमाम तस्वीरों के अलावा इसरो ने गगनयान मिशन के लिए भारतीय एयरफोर्स से चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का वीडियो भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स को सिमुलेटेड माहौल में गगनयान मिशन के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक साल 2024 के अंत तक एक टेस्ट फ्लाइट रोबोट को अंतरिक्ष में ले जाएगी। इसके बाद साल 2025 में गगनयान में बैठाकर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया जाएगा। मिशन गगनयान की खूबियों और तैयारियों पर विस्तार से जानिए हमारे खास शो GH स्पेशल में शाम 6 बजे। तो चलिए सबसे पहले आज बात सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने आज देश को एक पायदान और ऊपर पहुंचा दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV रॉकेट ने तीसरी कामयाब उड़ान के साथ अपनी काबिलियत साबित कर दी है और इस रॉकेट ने 2 सैटेलाइट को पृथ्वी की सटी कक्षा में भी पहुंचा दिया है। ये सैटेलाइट पर्यावरण और प्राकृतिक आपदा से जुड़ी अहम जानकारियां देगी। साथ ही SSLV रॉकेट का ये सफल लॉन्च स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए भी नए दरवाजे खोलेगी। सुपर लिफ्ट ऑफ SSLV-D3 US-08 मिशन। अनंत अंतरिक्ष में ये उड़ान भारत की कामयाबी की पहचान है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज सुबह SSLV-D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग के साथ ही इसरो ने एक बार फिर अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया। 2-1-0 सुपर लिफ्ट ऑफ SSLV-D3 US-08 मिशन। ठीक 9:17 पर काउंटडाउन खत्म होते ही SSLV-D3 रॉकेट अपनी अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ा। 4-3-2-1-0 सुपर लिफ्ट ऑफ SSLV-D3 US-08 मिशन। रॉकेट अपनी फाइनल स्टेज में पृथ्वी की उस कक्षा में पहुंच गया जहां इसकी मंजिल तय की गई थी। आखिरी स्टेज में रॉकेट से 2 सैटेलाइट अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गईं। सैटेलाइट की सही कक्षा में लॉन्च होते ही सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे। थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV-D3 विद द EO-08 सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। द रॉकेट हैज प्लेस्ड द स्पेसक्राफ्ट इन द वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट एज प्लान्ड। I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. इस रॉकेट से 2 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया गया है। इनमें से एक सैटेलाइट EOS-8 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दूसरा सैटेलाइट SRO डेमोसेट है, जो एक पेसेंटर सैटेलाइट है। दोनों सैटेलाइट धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए गए। EOS-8 सैटेलाइट से पर्यावरण की मॉनिटरिंग आसान होगी, इससे आपदा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी और ये सैटेलाइट सर्विलांस के काम भी आएगा, जंगल में आग या ज्वालामुखी को जानकारी देगा।
इसके साथ ही पावर प्लांट या दूसरे उद्योगों पर खतरे की जानकारी देगा। ये उड़ान SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तीसरी डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट थी। इस कामयाब लॉन्च के साथ ही रॉकेट के विकास की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। Congratulations to the SSLV D3 team, the project team. With this third development flight of SSLV, we can declare the development process of SSLV is completed. And congratulations now. So we are on the process of transfer of the technology of SSLV to industries and for serial production and launches of SSLV in a commercial basis. So it's a great beginning for the rocket, the small satellite launch vehicle. इसरो की इस कामयाब उड़ान को देखते हुए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे। इस कामयाबी के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में कामयाबी का एक और झंडा गाड़ दिया है। प्राप्त करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपका दिन मंगलमय हो। तो अंतरिक्ष में कामयाबी की ये उड़ान बहुत ऊंची है और भारत की सराहना हर कोई कर रहा है। लगातार ट्विटर की झड़ी लग गई है, आप भी जाकर दे सकते हैं बधाई। देखिए अब बात खेलों की कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से लौटे हुए खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की है। मुलाकात क्यों खास है और प्रधानमंत्री का ये अंदाज जो है ना वो बेहद निराला है। खुशी, बिल्कुल आपको बता दें ये मुलाकात एकदम हंसी खुशी के माहौल में हुई। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से सवाल भी पूछे जिसका खिलाड़ियों ने जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने मेडल जीतने वालों के साथ साथ ओलंपिक्स में जाने वाले सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग के अपने आवास पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी सभी खिलाड़ियों से मिले भी, उनके साथ बातचीत की और अपने संबोधन के जरिए हौसला अफजाई की। अच्छा, आप में से कितने हैं जो हार करके आए हैं? सबसे पहले तो दिमाग में से निकाल दीजिए कि अब हार करके आए हैं। मुझे विश्वास है पेरिस ओलंपिक्स भारतीय स्पोर्ट्स की इस उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा, उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों, हम रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, बल्कि वैसे खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो मेडल जीतने से चूक गए। उन खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी था कि मैं इतने क्लोज आके रह गया, बट मैं आगे आने वाले टाइम में और बेटर करूंगा। खिलाड़ियों से मिलने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी एकदम जॉली मूड में दिखे। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों को हंसाते हुए खुद भी हंसते दिखे। ब्रॉन्ज मेडल विजेता हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश से उन्होंने संन्यास लेने पर भी सवाल किया। श्रीजेश, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते। सर थोड़ा साल से सोच रहा था सर, मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। कुश्ती में शानदार प्रदर्शन कर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन सहरावत से भी पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में बातचीत की। अभी मूड क्या है? बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कोई पसंद की चीज घर आके खाई कि नहीं खाई? अभी तो घर गए नहीं जी। घर गए नहीं? हाँ जी। हमें बोलते तो हम बर्बाद देते कुछ भाई। घर जाके चूर में खाएंगे। अच्छा। जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा देश में नहीं होने के चलते इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें सरपंच कहे जाने के साथ ही खिलाड़ियों से सवाल भी किए। अच्छा, जैसे हमारे सरपंच साहब का निकनेम है, ऐसे आप में से और कौन है जिसके ऐसे ही निकनेम है? प्रणाम सर, मैं श्रेयसी सिंह हूँ और वर्तमान में बिहार से विधायक भी हूँ।
तो सब टीम के सब लोग विधायक दीदी करके विधायक कहते जी सर, तो सरपंच भी है विधायक भी है। खिलाड़ियों से मिलने और उनसे बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मेडल विजेताओं से लेकर पेरिस ओलंपिक के बाकी खिलाड़ियों का नाम लेकर उनकी तारीफ की। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते हैं। दिनेश पहली ऐसी भारतीय बनी जो कुश्ती में फाइनल तक पहुंची, ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने 2036 के ओलंपिक की मेजबानी पाने की कोशिश करने का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक और गुड न्यूज आपको दे दें। बेंगलुरु में बीसीसीआई की नई नेशनल क्रिकेट अकादमी का जल्द उद्घाटन होने वाला है। गुड न्यूज ये है कि एथलीट्स भी यहां पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस सेंटर में स्पोर्ट्स पर्सन को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जाएगी। खुद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी है। 2022 में नई अकादमी की नींव रखी गई थी, अब इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द चंद्रयान पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की जीरो ग्राविटी पर प्रैक्टिस की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और खेल में कामयाबी के लिए भी फिटनेस बहुत जरूरी होती है, इतना ही नहीं आम जिंदगी में भी अच्छी तरह से फिट रहना बहुत जरूरी है। और ये हमारी शगुफ्ता से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं यहाँ पर आज एक बात रिवील कर देती हूँ कि हम लोग चाहे कितना चाय समोसे खा लें, यहाँ बैठे कुछ भी जो आता है वो श्योर होता है कि हम लोग खाते हैं, लेकिन शगुफ्ता मेक श्योर करती है कि वो अपनी सेहत से बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है ना। मेक श्योर करती है कि बाकी खाएं और आप घर से लेके आती हैं अपने लिए। मैं घर से लेके आती हूँ तो इतना जुना, इसको जुनूनी लड़की का कहते हैं। क्या कहते हैं? दिख भी रहा है, जुनूनी लड़की, जुनूनी लड़की। और एक हमारी दीपिका हैं जो चाय हाफ टाइम के बाद पीती हैं, ठंडी करके माहौल बना के। बिल्कुल। तो शगुफ्ता ये बताइए आपकी फिटनेस का राज क्या है? यार मैं तो योगा को ही पूरा क्रेडिट दूंगी। अभी मैंने फिलहाल जिम भी स्टार्ट कर दिया है, चूंकि आप जानती हैं, तो जिम को भी मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी, तो देखते हैं जिम के फायदे क्या होते हैं। ये तो शगुफ्ता, आपने क्यों पूछा? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपकी फिटनेस की बात हुई है। और अब हम सऊदी अरब के खालिद बिन मोहम्मद शरी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने खुद को फिट किया है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि चमत्कार आखिर हुआ कैसे है। उनका वजन 610 किलोग्राम तक पहुंच गया था, जो घटकर महज 63 किलोग्राम तक हो गया, यानी 547 किलोग्राम वजन घटाने का कीर्तिमान। क्या बात है, ऐसा संभव हुआ सऊदी के पूर्व किंग अब्दुल्ला की मदद से। 3 साल से बिस्तर पर पड़े शारी को लेकर 2013 में किंग अब्दुल्ला ने उनके इलाज और उचित देखभाल का आदेश दिया था, जिसके बाद 30 मेडिकल प्रोफेशनल्स की टीम बनाकर खास योजना बनाई गई। एक खास तरीके के बिस्तर को डिजाइन कर उन पर शारीक को रखकर जजान में उनके घर से सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद मेडिकल सिटी ले जाया गया। वहां पहुंचने पर शारीक की गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की गई। उनकी डाइट और एक्सरसाइज के साथ इलाज शुरू किया गया, जिसका असर यह हुआ कि शुरुआती 6 महीने में ही शारीक का वजन आधा हो गया। इसमें उनका इलाज करने वाली मेडिकल टीम की गहन देखभाल और फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका रही। साल 2023 तक उनका वजन 63.5 किलोग्राम तक पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें इलाज के दौरान शारी को फिजियोथेरेपी में सहायता के लिए एक बड़ी कस्टम मेड व्हीलचेयर का निर्माण किया गया। सर्जरी के बाद उनकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो पूरी तरह बदले हुए दिखे। सोशल मीडिया पर लोग शारी को स्माइलिंग मैन कहकर बुला रहे हैं, जिससे शारी को कभी अपनी हर छोटी मोटी जरूरतों के लिए दोस्तों और परिवार पर निर्भर रहना पड़ता था, वो अब आत्मनिर्भर बन चुके हैं। देखिए चलिए
चलिए अब बात कर लेते हैं कला और कलाकारों के सम्मान की। आज 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है और चलिए जानते हैं कि किन फिल्मों और अभिनेताओं को आज ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। तो आपको बता दें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी ने अपने नाम किया है। उन्हें ये सम्मान फिल्म कांतारा के लिए हासिल हुआ है। नित्या मेनन और तिरुचित्र पलम के लिए और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार हासिल हुआ है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम ने सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार जीता है। वहीं फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी ने स्पेशल मेंशन पुरस्कार जीता है। गुलमोहर के अलावा आपको बता दें, मलयालम फिल्म कदीकट और पुन्यन सेल्वम पार्ट वन और संजय सलिल चौधरी को भी स्पेशल मेंशन मिला है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सूरज प्रजातिया को ऊंचाई के लिए मिला है। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म फौजा के लिए नौशाद सदर खान को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया है। वहीं फिल्म अपराजितों ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार जीता है। इन सबके अलावा बेस्ट सिंगर मेल के लिए अरिजीत सिंह को अवार्ड मिला है। उन्हें यह सम्मान फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है, जबकि बेस्ट सिंगर फीमेल के लिए बॉम्बे जयश्री को अवार्ड हासिल हुआ है। उन्हें यह सम्मान मलयालम फिल्म सऊदी विल्का सीसी के लिए मिला है। सना हमारे साथ जुड़ गई है। सना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है और सभी फिल्मों के बारे में हमने बताया कि किसको क्या मिला है, लेकिन गुलमोहर के बारे में अगर विशेष करके हम बात करें तो एक तो हम बड़े इंटरेस्टेड थे, काफी समय बाद हमें शर्मिला टैगोर उसमें दिखी थी। हालांकि मनोज वाजपेयी को इसमें स्पेशली अवार्ड मिला है, लेकिन सभी का किरदार आउटस्टैंडिंग। शर्मिला टैगोर काफी समय बाद दिखी और दिल्ली में जिस तरह से एक पुराना घर और यहाँ का कल्चर और जिस तरह से सारी चीजें दर्शाई गई थी, नो डाउट वो फिल्म अपने आप में बहुत ही अच्छी थी। जाहिर सी बात है, एक्टिंग के लिए इसलिए सम्मान भी मिला। डेफिनेटली, और शर्मिला जी से अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि उन्हें बहुत सारी फिल्में ऑफर होती है, बट ये फिल्म कहीं ना कहीं उनके दिल को छू गई थी, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी अच्छी थी, कास्टिंग इतना अच्छा था और ये लोग अभी भी बहुत एक क्लोज फैमिली की तरह है। तो कहीं ना कहीं जो शर्मिला जी के दिल को छुआ वो शायद ऑडियंसेस को भी छुआ। उन्होंने अपना फर्स्ट अपना कमबैक किया और ये फिल्म डेफिनेटली सारे लोगों को, और नॉट जस्ट ऑल्दो दिल्ली में बेस्ड थी, बट कहीं ना कहीं पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जो लोग भी देखे गुलमोहर, उनसे वो टच हुए, क्योंकि एक कनेक्टिंग फैक्टर जो एक फैमिली वैल्यूज वाली होती है वो कहीं ना कहीं इस गुलमोहर में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया। और डेफिनेटली इसके लिए उसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, जो कि एक ओटीटी रिलीज थी पर नोटिस हुई और इतना बड़ा एक पुरस्कार मिला है, डेफिनेटली पूरी टीम के लिए बहुत ऑनर की बात है। सना, एक और चीज बताइए, जैसा हमने 3 बजे के आसपास पूछा था आपसे, अभी तक बॉलीवुड से रिएक्शन तब तक तो नहीं आए थे, लेकिन अभी रिएक्शन आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि फिल्म कांतारा की तारीफ यार प्लीज एक बार कर दीजिए, एक बार उसके लिए तारीफ जरूर बनती है। ऋषभ शेट्टी द बेस्ट, अनडाउटेडली द बेस्ट, जो उन्होंने किया है ना, उसके लिए जो भी अवार्ड उन्हें मिला है वो डिजर्व करते हैं उसको। डेफिनेटली, और जैसे हम तब बात कर रहे थे कि ऋषभ शेट्टी की फैन फॉलोइंग डेफिनेटली सोशल मीडिया पे वो लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट अभी तक ऋषभ शेट्टी ने ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया है, बट यश उनके जो फ्रेंड है KGF 2 के साथ, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्हें कॉन्ग्रेट्स किया, जो उन्होंने शेयर करके थैंक यू कहा है। डेफिनेटली सब वेट कर रहे हैं कि ऋषभ इस बारे में बात करें, क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट एक अलग तरीके की है फैंस के बीच और इंडस्ट्री के बीच। बट बहुत स्पेशल था, नीना गुप्ता जी से जब हमने बात कही वो भी ये कह रही थी कि वो जो एक फेज में थी जब वो काम मांग रही थी और आज उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है, तो एक कहीं ना कहीं ये जब पुरस्कार एक आपको मिलता है इंडिया की तरफ से, तो ये बहुत स्पेशल हर एक आर्टिस्ट के लिए होता है। तो डेफिनेटली सब बहुत बहुत खुश है और अब बस वेट कर रहे हैं कि सब अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर करें और अपने सेलिब्रेशन मोड हमें बताएं कि वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। साल 2018 में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री का बॉक्स ऑफिस पर धमाल आप सभी ने देखा था, मगर अब इसी फिल्म के सीक्वल यानी कि स्त्री 2 ने रिलीज होते ही पहले दिन ऐसी बम्पर कमाई की कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को मानो हिला कर रख दिया। आपको बता दें कि सैकनिक के रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त पर रिलीज हुई स्त्री 2 ने पहले दिन 46 करोड़ रुपए
से ओपनिंग की है। हालांकि ये लगभग आंकड़ा है, सिर्फ अभी अंदाजन है, यानी कि इसमें कुछ 2-4 करोड़ रुपए ऊपर नीचे होने की संभावना है। वही फिल्म के 14 अगस्त के पेड प्रीव्यू वाले कलेक्शन 8.35 करोड़ रुपए को जोड़ा जाए तो स्त्री 2 की फर्स्ट डे के बाद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 54 करोड़ 35 लाख की कमाई हुई। क्यों दीपिका? बिल्कुल, इसी कलेक्शन के साथ श्रद्धा राजकुमार की इस फिल्म ने हाल ही में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2898 AD का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। प्रभास की इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने सिर्फ 22.5 करोड़ रुपए कमाए थे। सिर्फ कल्कि ही नहीं, इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने फाइटर फिल्म को भी पहले दिन की कमाई के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। स्त्री 2 ने फाइटर से लगभग 2 गुना कमाई कर डाली है। बता दें कि फाइटर ने रिलीज के पहले दिन सिर्फ 22.5 करोड़ रुपए ही कमाए थे। देखिए, फिलहाल तो शाहरुख खान की फिल्म जवान के बाद स्त्री 2 हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई। हालांकि कल स्त्री 2 के साथ अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में और जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, मगर स्त्री 2 का दबदबा फिलहाल बरकरार है। अगर आपने देखी नहीं है तो आप जा सकते हैं। मैं कहानी का थोड़ा सा यहां पर अंश बता रही थी तो मुझे बोल दिया गया कि आप फिलहाल मत बताइएगा, सस्पेंस ओपन मत करिएगा, तो आपको जाना पड़ेगा और ये फिल्म देखनी पड़ेगी। सना फरीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। सना, देखिए कि पूरी डिटेल तो हमने दे दी है, लेकिन कितना क्रेज है स्त्री लेकर? एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि स्त्री जब आई थी तब लोग उसके इतने दीवाने हो गए थे, क्योंकि पहली बार एक हॉरर कॉमेडी, एक जॉनर जो नया बॉलीवुड में आया वो उन्हें देखने को मिला है। डर के साथ हंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होता है और कहीं ना कहीं लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। और 15 अगस्त जो कि कल छुट्टी थी तो भर भर कर लोग थिएटर में गए फिल्म देखने, और अभी भी जब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं स्त्री 2 की, कहीं ना कहीं वो टीम डेफिनेटली आज बहुत खुश होगी जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग की है। वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ओपनिंग मिली है फिल्म को और इतने टाइम के बाद एक बहुत अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस को मिली है, तो कहीं ना कहीं थिएटर ओनर भी बहुत खुश है अपनी थिएटर्स पे इतनी भीड़ देखकर। सना, ये बताइए, चूंकि आप फिल्म रिव्यू करती हैं, जो दर्शक हैं उनके मन को, उनके जहन को भी आप थोड़े बहुत दिमाग को रीड कर सकती हैं। लंबे टाइम तक बीच में हमने देखा था कि कोई भी हॉरर मूवी नहीं आ रही थी पर्दे पर। पहले आया करती थी 90s में, तो रोमांटिक मूवीज और हॉरर फिल्म हमने कई देखी, लेकिन इस बीच लंबे टाइम से नहीं आ रही थी। शैतान आई बीच में, अच्छी खासी कमाई शैतान ने भी की थी, हमने देखा था। और उसके बाद स्त्री, नो डाउट जो पहली आई थी स्त्री, उसने भी बहुत अच्छी कमाई की। और अब हम देख रहे हैं उसका जो सीक्वल आया है या फिर उसका स्त्री 2 जो आई है, वो कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जबरदस्त कमाई कर रही है। तो क्या लोगों के टेस्ट में कुछ चेंज आ पा रही है, क्या लगता है आपको? जी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं हॉरर जो था वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर था, बट जैसे कि कुछ फिल्म मेकर्स ये कहते हैं कि जो बड़े स्टार्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हॉरर फिल्मों के लिए, क्योंकि एक आप उसको बड़े बजट में एक बड़ी फिल्म नहीं बना सकते। और आजकल का जो दौर है वो लोग सब अपनी फिल्मों को बहुत बड़ी तरीके से दिखाना चाहते हैं, 300-400 करोड़ की फिल्म बनाना चाहते हैं। तो ये जॉनर है ना कि स्टार्स जब नहीं देखते हैं तो इसलिए कम है, बट ऑडियंसेस डेफिनेटली हॉरर को बहुत पसंद करती है, क्योंकि हॉलीवुड की जितनी भी हॉरर फिल्म इंडिया में रिलीज हुई है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है बॉक्स ऑफिस पे। तो कहीं ना कहीं शायद स्त्री के बाद अब लोग जो फिल्म मेकर्स हैं उनके अब एक उन्हें इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो नए और भी हॉरर फिल्म लाए। बट अभी भी हम यही देख रहे हैं कि हॉरर फिल्म जो है वो कॉमेडी के साथ जब आ रही है तो कहीं ना कहीं ज्यादा चल रही है, चाहे वो मुंजिया हो या अभी स्त्री। शैतान डेफिनेटली हॉरर और थोड़ा साइकोलॉजिकल था तो एक बहुत ही नीश ऑडियंस ने उसे पसंद किया है, बट ऑडियंसेस को चाहिए एक अच्छी स्टोरी। आप अगर एक हॉरर फिल्म भी बना रहे हैं तो उसके कहानी एक अच्छा होना चाहिए, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होना चाहिए, और तभी वो शायद पसंद करेंगे। बिल्कुल। एक दो और फिल्में वेदा और खेल खेल में दोनों रिलीज हुई हैं, क्या उसके बारे में रिव्यूज मिल पा रहे हैं? जी खेल खेल में एक्चुअली वर्ड ऑफ द माउथ अच्छी आ रही है, लेकिन लोग शायद अक्षय कुमार की जो पिछली दो फिल्में थी बड़े मियां छोटे मियां और सरफिरा थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि अक्षय कुमार के नाम पे ही लोग पहले फिल्म में जाते थे। तो अभी वर्ड ऑफ द माउथ से क्योंकि थोड़ी अच्छी रिव्यूज आ रही है तो शायद अब वीकेंड पे लोग जाएंगे, बट अभी फिलहाल खेल खेलने की इतनी
बहुत ही पॉजिटिव नहीं है रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पे, और वेदा भी एक्शन फिल्म क्योंकि अब उसकी भी ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड होती है, एक तरीके के लोग ही सिर्फ पसंद करते हैं, और रिव्यूज भी इतनी अच्छी नहीं है मिली है वेदा को क्योंकि बहुत ही स्ट्रेच फिल्म कहा जा रहा है, तो शायद वीकेंड पे लोगों के पास अब जब टाइम होगा तो डेफिनेटली वो इन दो फिल्मों को भी ट्राई करेंगे। बिल्कुल सना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए यहाँ जो लड़के हैं उनसे पूछ ले, भाई वीकेंड में अगर आप लोगों को जाना पड़े तो इन तीनों मूवीज में से कौन सी मूवी आप देखेंगे दीपिका? मेरे ख्याल से तो मैं स्त्री टू। खुशी ने बता दिया जिसमें राजकुमार राव हो वो मैं मिस ही नहीं कर सकती। अच्छा आपके फेवरेट है वो? बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर भी आए थे तो बहुत दिन मुलाकात की थी। क्या बात है, फोटो वोटो खिंचवाई थी? बिल्कुल खिंचवाई थी, स्टोरी भी लगाई, सोशल मीडिया पर डाल दी थी ना। क्या बात है, नवजोत आपको? मैं तो रिलैक्स करूंगी, चाय पीऊंगी, मौसम का मजा लूंगी, मैं कोई फिल्म नहीं देखूंगी। आप बताइए। मैं स्त्री फर्स्ट पार्ट देख चुकी हूँ। आप पढ़ ली है? नहीं नहीं, मैं देखने जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कहानी बता दे, स्त्री टू तो देखनी बनती है। आपने स्पॉयलर सुना है? बाद में बताऊंगी सारी कहानी पढ़ के, यहाँ पर बताती रहती है कि मूवी में है क्या, और हम मूवी हॉल तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन इस बार पक्का हम जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि सिनेमा की दुनिया में अक्सर कामयाबी का सेहरा या तो लीड एक्टर के सिर पर बनता है या फिर डायरेक्टर को क्रेडिट दिया जाता है, ऐसा बहुत ही कम होता है जबकि राइटर्स की चर्चा हो, लेकिन सलीम जावेद की जोड़ी ने इस प्रथा को जोड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन राइटर्स के लिए खास स्पेस क्रिएट भी किया। और अब इसी जोड़ी पर एक डॉक्यूमेंट्री ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है, इसे नाम दिया गया है एंग्री यंग मैन। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको इस जोड़ी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से जानने को मिलेंगे। देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री की मेकिंग से जुड़ी जोया अख्तर इस बारे में क्या कहती हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इन्होंने ये फिल्म एक ड्राफ्ट में कैसे की, ये फिल्म दो ड्राफ्ट में कैसे की। मैं सलीम अंकल से ज्यादा मिलती थी, फरहान से ज्यादा मैं सलीम अंकल से मिलती थी, क्योंकि मैं वॉक पर जाती हूँ बैंड स्टैंड पर और वो वॉक पर जाते हैं बैंड स्टैंड पर, तो सुबह में हम अक्सर मिलते थे और बैठते थे और बात करते थे, और वो मुझे कहानियां बोलते थे, मुझे स्क्रिप्ट के डिस्कस करते थे, कोई नई फिल्म आई है मेरे फिल्म देख के मेरे साथ डिस्कस करते, तो मुझे लगा कि इनको टेप पर डालना चाहिए और इनके बारे में बुक लिखा है, इंटरव्यूज या आर्टिकल्स लिखी हैं, लेकिन किसी ने इनको आर्काइव नहीं किया है और ये जेनरेशन जानती नहीं है। नम्रता एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छी एडिटर है, नेशनल अवार्ड विनिंग एडिटर है, तो अगर एक अच्छा एडिटर है तो उनका नैरेटिव सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो मुझे नम्रता में दिखा। और फिर ये 70s के सिनेमा जानती थी, सारे फिल्में देखी हैं इसने, उसे बॉलीवुड से हिंदी फिल्मों से बहुत लव है। मुझे एक लड़की चाहिए थी जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाए, क्योंकि दे आर वेरी मेल, उनका काम भी बहुत मेल सेंट्रिक था, तो इट्स इंटरेस्टिंग कि एक फीमेल उन्हें देखे। मतलब इंस्टिंक्टिवली बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगा, ये दोनों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, इनकी फिल्में बहुत पसंद है, मैंने कितनी बार देखी हैं, जब मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने लिखी हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये करने को मिल रहा है और कितना कुछ सीखने को मिलेगा और कितना मजा आएगा। मुझे लगता है कि फाइन लाइन है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है, वो बहुत कन्विंस थे अपने काम के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एंग्री यंग मैन क्रिएट किया है, आपको अगर मिस्टर बच्चन जैसा एक्टर मिले तो वो भी वो कैरेक्टर को लेके, आप जो भी लिखें अगर एक्टर वो नहीं है तो आपका कैरेक्टर वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जो था जो एक्सप्लोर हो गया था, आज तक वो क्लिप्स, अब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे तो मिस्टर बच्चन के जब क्लिप्स आए तो पूरा रूम स्टार्टेड स्क्रीमिंग। नए लोग देखे जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी हैं वो देखे हैं, जो यंगर जनरेशन है अभी की। 22 ब्लॉकबस्टर, नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वेट भी कर रही हूँ। अच्छा, इस पर सलमान खान ने हाल फिलहाल में एक बात कही, उन्होंने कहा है कि शुक्र मनाओ कि ये फिल्में बनाते थे, ये हीरो नहीं बने, अगर बन जाते तो सबका पत्ता साफ हो जाता। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन का पावन पर्व है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बाजार में खूबसूरत राखियां बिक रही हैं, सोने चांदी की कीमत भले ही ज्यादा हो लेकिन भाई जब त्योहार होता है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बिल्कुल, इसके साथ ही रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी सोने चांदी के हल्के गहने, घड़ी और दूसरे उपहार पसंद किए जा रहे हैं। कोई दमकते सोने की राखी है तो कोई खालिस चांदी की, किसी पर वीरा और भैया लिखा है तो बच्चों के लिए पोकेमॉन और डोरेमॉन वाली राखियों की भी भरमार है। भाई बहनों का पावन पर्व रक्षाबंधन दहलीज पर है, खूबसूरत राखियों से बाजार सज गए हैं। इस बार बदलते दौर के साथ राखी का ट्रेंड भी बदला है, भाई की सलामती के लिए कलाई पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र का अंदाज भी बदला है। लखनऊ का चौक सराफा मार्केट इस बार खास सोने और चांदियों की राखियों से सजा है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले खूबसूरत राखियों से बाजार सज गया है, लेकिन अगर चौक में हम सराफा मार्केट की बात करें तो यहाँ सोने चांदी की राखियां दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल बहनें अगर सोने या चांदी की राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट भी होता है भाई के लिए, वो हमेशा के लिए रख सकते हैं। हर वेराइटी में मौजूद, हर रेंज, हर बजट में फिट सोने और चांदी की राखियों को लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देख रहे हैं। चांदी की राखियों की तो डिमांड है ही, कई लोग सोने की राखी भी बुक करा चुके हैं। कम रेंज में भी है और ज्यादा रेंज में भी है, हर तरह की वैरायटीज बनी है, बच्चों के लिए अलग है, पोकोमान और डोरेमान है, इस टाइप की हैं। और ये देखिए नजर बट्टू वाली राखी है, भाई को नजर ना लगे इसलिए नजर बट्टू की राखी निकाली है और बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को पसंद की जा रही है इसमें। इसमें सोने की राखियां भी हमें राखी में, सोने की राखी में हमने बहुत इसमें रेंज है जो करीब, ये देखिए आप सबसे बहुत सुंदर, ये एक तरह का राखी का भी काम करता है और प्लस ब्रासलेट का भी काम करता है। तो ये आप देखिए सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये बाद में वापस भी हो जाता है, कभी आप इसको वापस करना चाहे सोने के रूप में वापस कर सकते हैं। चांदी की राखियां 200 रुपए से लेकर 2000 तक की हैं, तो सोने की राखी 5000 से लेकर 1.5 लाख तक में मिल रही हैं। भाइयों के लिए सोने चांदी की राखी है तो बहनों को दिए जाने वाले रिटर्न गिफ्ट भी यहां उपलब्ध हैं। भाई बहनों की तस्वीर वाले स्पेशल चांदी के सिक्के, चांदी की घड़ी, की रिंग, हल्के गहने भी भाई अपनी बहनों के लिए खरीद रहे हैं। चांदी का सिक्का बहन भाई का एक प्यार रहे, इसमें साथ में चांदी का प्योर सिक्का है ये, लेकिन इसको बनाया इस तरह से गया है कि एक्सक्लूसिवली राखी के लिए, क्योंकि भाई बहन बने। और इसमें सिक्के के अलावा आप गिफ्ट में जो हमारे पास प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड एंड गोल्ड प्लेटेड घड़ियां भी रहती हैं, वो आप बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। और ये बहुत कॉस्टली नहीं है, ये 2000 के आसपास मिल जाती है। और ये चांदी के अगर कोई महंगा गिफ्ट देना चाहे तो ये चांदी की राखी बहुत खूबसूरत है, ये इसमें बहुत छोटे छोटे स्टोन्स यूज किया गया है और बहुत अच्छी कारीगरी है। वैसे तो भाई की कलाई पर बांधा गया सिर्फ एक धागा भी अनमोल है और तोहफों में कीमत नहीं देखी जाती, पर भाई बहन इस पर्व को खास और यादगार बनाने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ ये परंपरा नहीं है बल्कि चांदी में भी अगर हम देखें तो ट्रेंडी जिस तरह से राखियां हैं मार्केट में, उस तरह से लुक देने की कोशिश की गई है जिससे लुक तो ट्रेंडी रहे लेकिन इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट है, जो माना जाता है सोने और चांदी में, वो भी हो। तो ऐसी राखियां भी हैं, ऐसे रिटर्न गिफ्ट भी हैं, यानी सराफा मार्केट में भी पूरी तरह से तैयारी रक्षाबंधन को लेकर है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। शगुफ्ता, रक्षाबंधन की तैयारियां हो गई आपकी? बिल्कुल हो गई, बहुत सारी हो गई, जोरदार हो गई है। तो जिनकी नहीं हुई है उनके लिए ये खबर है, बता दे रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए सूरत के सराफा व्यापारियों ने खास तैयारी की है। यहां भी राखी के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल शहर में हीरे, सोने, चांदी से बनी राखियों का शानदार चलन देखा जा रहा है। डिजाइनर चांदी सोने की राखियों से लेकर चमचमाते हीरे जड़ी राखियां, सूरत के जौहरी ऐसी राखियां तैयार कर रहे हैं जो कि जितनी ही खूबसूरत है उतनी अनोखी भी है। अब देखिए डायमंड राखियों के साथ साथ सीवीडी यानी लैब में तैयार डायमंड राखियों का चलन देखा जा सकता है। प्लैटिनम राखियों की रेंज भी रखी गई है। आधुनिक और ट्रेंडी होने के साथ साथ ये राखियां हर तरह के बजट को ख्याल में रखकर बनाई गई हैं। बड़ी बात यह है कि इन राखियों का इस्तेमाल रक्षाबंधन के बाद पेंडेंट या ब्रेसलेट के तौर पर भी आप कर सकते हैं।
नवी मुंबई में पुलिस ने एक व्हाट्सएप चैनल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इन पर लोग अपने साथ हुए तमाम अपराधों की जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं और ये चैनल और हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए भी काफी मददगार साबित होंगे। साथ ही दावा है कि इनसे ड्रग्स और साइबर अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला ने जैसे ही इस रिमोट का बटन दबाया तो नवी मुंबई के बाशिंदों को अपराध से निपटने का एक नया डिजिटल हथियार मिल गया। दरअसल पुलिस ने महिला सुरक्षा, नारकोटिक्स और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अपना एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिस पर लोग उनके साथ हुए अपराध की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं। जिसके जरिए हम इस के अवेयरनेस के वीडियोस साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम्स, वुमेन रिलेटेड नारकोटिक्स और सिटीजन सर्विसेज, ऐसे सारे वीडियोस हम रोज भेजा करेंगे जिससे हमारे नवी मुंबईकर्स तक हम पहुंच सके। और इसके अलावा उनको अगर कोई डाउट आता है तो दे कैन रीच अस ऑन द साइबर हेल्पलाइन 8828112112। अकेले नवी मुंबई में पिछले साल 45 करोड़ रुपए के साइबर अपराधों के मामले सामने आए थे जबकि इस साल जुलाई तक ही ये आंकड़े 80 करोड़ पार कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने लोगों को खुद भी जागरूक रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि वो धोखाधड़ी के जाल से बच सकें। पढ़े लिखे के साथ हो रहा है तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे मोर है ना, मोर केयरफुल इन एवरीथिंग, जो भी करो देख के करो। वंस यू नो द प्रॉब्लम, आपको सलूशन क्या है, एंड फील फ्री टू टॉक टू पीपल। हाल के समय में महिलाओं से जुड़े अपराधों और साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से इजाफा देखा गया है, लिहाजा ये डिजिटल हथियार काफी मददगार साबित होंगे। यानी पुलिस अब चंद उंगलियों के फासले पर भी हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन हर वक्त सतर्क रहना हम सब की जिम्मेदारी है। नवी मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, गुड न्यूज टुडे। कम उम्र में कामयाबी की बेहद शानदार तस्वीर आपको दिखाते हैं। थाईलैंड की संसद ने पेंतोंगतान श्रीनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। पेंतोंगतान देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। 37 साल की पेंतोंगतान श्रीनावात्रा थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन श्रीनावात्रा की सबसे छोटी बेटी हैं और उनके पिता के अलावा उनकी चाची येंगलक भी थाईलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इस तरह पेंतोंगतान श्रीनावात्रा अपने परिवार की तीसरी सदस्य हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही थाईलैंड की सर्वोच्च अदालत ने प्रधानमंत्री श्रेथा थावेसन को पद से बर्खास्त कर दिया था। उन पर नैतिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक पूर्व अपराधी की कैबिनेट में नियुक्ति करने का आरोप लगा था। फिलहाल थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री शख्सियत के रूप में पेंतोंगतान श्रीनावात्रा सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। तो थाईलैंड की ये नई प्रधानमंत्री हैं पेंतोंगतान श्रीनावात्रा, जिनके बारे में हमने आपको बताया। सोशल मीडिया में आजकल इनको काफी पसंद किया जा रहा है। एक तो काफी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, इस ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में आपको काबिल। युवा से कम नहीं, दूर रहकर भी बहन भाई का ये रिश्ता कम नहीं। इन प्यारी मुलाकातों का दौर रहे बरकरार क्योंकि आ रहा है राखी का त्यौहार। वाह वाह, देखिए बहन चाहे सिर्फ प्यार और दुलार, उपहार तो बस बहाना है। ये रिश्ता बना रहे सदियों तक, बहन मांगे भाई के लिए बस खुशियां हजार और साथ में तोहफे भी। भाई रक्षाबंधन की रौनक घर से लेकर बाजार तक छाई हुई है। साथ ही हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मंडे आए और रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाएं। बिल्कुल, तब तक आपको वेट करना है क्योंकि अब हम आपको मिलेंगे सीधा सोमवार। तब तक चाय पीते रहिए, खुशी अमर आप ही मिलेंगे, बाकी तो कोई नहीं मिलेगा। बाकी तो सब छुट्टी मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे। मैं आपके लिए राखी जरूर ले आऊंगी। थैंक यू। और आप मेरे लिए मिठाई जरूर ले आइएगा। बिल्कुल, घेवर ज्यादा पसंद है। घेवर गिफ्ट।